अम्बाला शहर को आज एक और सौगात जंडली इलाके का सबवे शुरू होने से मिल गई है। जंडली इलाके का अंडरब्रिज शुरू होने से जंडली व कोला इलाके को राहत मिलेगी। वह इलाका रेलवे फाटक की वजह से शहर से कटा हुआ था और फाटक की वजह से इंको अंडरब्रिज पर काफी जाम रहता था, अब उससे भी राहत मिलेगी। रेलवे अंडरब्रिज के उद्घाटन के अवसर पर सांसद रतनलाल कटारिया व शहर के विधायक असीम गोयल पहुंचे, जिन्होंने इस अंडरब्रिज का उद्घाटन कर इसे जंडली व कोला वासियों को सुपुर्द किया। असीम गोयल व रतनलाल कटारिया ने कहा कि अब ये इलाका कनेक्ट हो जाएगा और 50,000 लोगों को इससे राहत मिलेगी। वहीं विधायक असीम गोयल ने कहा कि 5 ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं जिससे पूरा शहर आपस में कनेक्ट हुआ है। देखिए, आज हम दोनों और लोग बहुत खुशी हैं कि 70 साल की एक डिमांड पूरी हुई है और आवागमन शुरू हो गया है। कम से कम 50,000 लोगों को इस अंडरब्रिज का फायदा मिलेगा और हम, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे बिजली पानी हो, हम जनता के लिए एक के बाद एक काम करते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। आगे अम्बाला लोकसभा में हमारे यही प्रयत्न रहने वाले हैं कि अम्बाला एक इंडस्ट्रियल हब बने, ट्रांसपोर्ट हब बने, यहाँ रोजगार के साधन बढ़े, नौजवानों को रोजगार मिले और जनता के जीवन में सुगमता आए, लोग इज्जत के साथ रहे, कोई उनके मान सम्मान के साथ कोई भी गुंडागर्दी ना कर सके, इसके लिए हमारी सरकार प्रयत्न। हाँ, वो मैंने परसों धूलकोट रेलवे स्टेशन का नाम गीता नगरी रखने की मांग मैंने रेलवे की मीटिंग में रखी है, लेकिन उसका लंबा प्रोसीजर बैठक में बताया है। भाई असीम गोयल जी मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखेंगे और वो चिट्ठी मुख्यमंत्री जी से देश के होम मिनिस्टर को जाएगी, होम मिनिस्टर से रेलवे मिनिस्टर को जाएगी और फिर वापस आएगी और उस पर कमेंट आने के बाद भारत सरकार फिर इसको बदल देगी और वो हम बदलवा के रहेंगे। वहीं सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बीच छिड़ी बहस के बीच विधायक असीम गोयल ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि इन्हें समझ नहीं कि कैसे सेनानियों की कद्र की जाती है। आज ये एक बहुत पुरानी मांग जो इस इलाके की थी आज पूरी हुई है और लगभग जब से रेलवे, मुझे लगता है अम्बाड़ा के अंदर आई, जब से अम्बाड़ा शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ था और इन सब मामले को लेके आज हमारे, मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें आपको जनप्रतिनिधि के नाते विकास की ऐसी होती हैं जो आपके मन को बहुत खुशी देती हैं और आज लोगों के यहाँ बहुत प्रसन्नता देख कर वो प्रसन्नता और भी कई गुना हुई है और लगा कि आज वाकई अम्बाला शहर के विकास के अंदर एक मील का पत्थर जो आज हमने स्थापित किया है, इस अंडरब्रिज के शुरू होने से लगभग 50,000 लोगों को जो है सीधा सीधा लाभ हुआ। जे एंड के कहा जाता था इस इलाके को, कोई कटा हुआ इलाका, वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा शहर से। ये देखिए, पहले की सरकारों के समय में केवल दो तरह की कनेक्टिविटी, एक तो महाराजा कृष्ण के ऊपर जो दो पुल हैं और एक इंको का अंडरब्रिज, इस तरह की केवल दो कनेक्टिविटी शहर के अंदर थी। लेकिन आज अगर हम, आप हमारी सरकार के समय गिनेंगे, ये वाला अंडरब्रिज हो गया और एक अंडरब्रिज कपड़ा मार्केट का जो शुरू हुआ, जो घेल का अंडरब्रिज शुरू हुआ है और एक ओवरब्रिज जो है महाराजा अग्रसेन चौक के पास बन रहा है नया, एक जो ओवरब्रिज है गुरुविदास बस्ती से नया गांव जो नए हाईवे पे बन रहा है, यानी इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी हमारी सरकार में 70 साल में केवल दो जगह कनेक्टिविटी और हमारे इन 8 सालों के अंदर मैंने 5 कनेक्टिविटीज़ आपको बनाई हैं। अभी और भी काम रेलवे और हाईवे के नाते हमने कुछ प्रस्ताव और जो हैं मांगे हुए हैं, दे रखे हैं अपने केंद्र में, डिमांड मांग रखी है, मुझे लगता है उसके ऊपर भी हम मेहनत करके उनको पास करवाएंगे।
राहुल गांधी जी को जो कायदा पढ़ाया गया है केवल जो नकली गांधी और नेहरू परिवार है उनकी स्तुति करने का कायदा पढ़ा रखा है। ना इस परिवार ने पहले भी ना इनके पूर्वजों ने कभी देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी की इज्जत की, ना कभी इन्होंने वीर सेनानियों की पहले कभी इज्जत की। जो खून है वो अपना रंग दिखाता है और उसी नाते ये राहुल जी का कसूर मैं नहीं कहूँगा, अल्प ज्ञान अगर, और मैं कहूँगा कि एक अल्प सोच, ये दोनों का मिश्रण राहुल जी हैं। और जो उनके लोग भी हैं वो भी इनको कम से कम ज्ञान नहीं देते और अधूरा ज्ञान ये लोगों के अंदर रख देते हैं। राहुल जी को ना इस देश की संस्कृति पता है, ना राहुल जी को इस देश का भूगोल पता है, ना राहुल जी को इस देश के इतिहास पता है, ना राहुल जी को इस देश का वर्तमान पता है। वो केवल एक ऐसे इल्यूज़न में, एक उस ख्याल में जी रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री कभी बनूंगा, और उस नाते उनसे गलतियां हो रही हैं। क्योंकि जब तक आप भारत को नहीं समझोगे आप भारत के सेवक नहीं बन सकते। राहुल जी इतनी जल्दी में हैं कि देश की अस्मिता, देश की अखंडता, देश की संस्कृति, देश के संस्कार को जब भी उनको मौका मिलता है उसकी बेइज्जती करते रहते हैं। लेकिन इस सब चीज़ों से जो मैं तो कहता हूँ आम जनमानस है उनको पता चल रहा है कि राहुल जी क्या चीज़ हैं।